आज हम आपको ले चलते हैं लॉकडाउन के भंवर में फंसी हुई ऐसी शादी में जिसमें कि दुल्हन को लेकर के बाराती 22 दिन से लौट करके घर नहीं पहुंच पाए हैं और 22 दिन से वह दुल्हन के घर पर ही रुके हुए हैं। क्या नाम है? नरपत सिंह। जो व्यक्ति आपके यहाँ पर आए हुए हैं किस वजह से आए थे? ये 22 तारीख की बेटी की शादी थी, उस माध्यम से 21 तारीख को हमारे परिवार में आए थे। क्या नाम था लड़की का? सावित्री आर्य। तो कहाँ से आए थे? ये झारखंड जिला धनबाद और वैली गांव से आए। यह मामला है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की तहसील अतरौली है, उसमें गांव है विधिपुर, जहां पर पंडित नरपत सिंह आर्य और दुलारी देवी आर्य की पुत्री सावित्री, जो कि योगा टीचर हैं, का विवाह झारखंड प्रदेश के धनबाद जिले में गांव है बेमली, वहां के डॉक्टर विजय कुमार आर्य, जो कि पुत्र हैं रामनाथ आर्य और बाला देवी आर्य जी के, उनके साथ में तय हुआ था। मेरा नाम विजय कुमार मेहता। आप यहाँ पर जैसे आए थे तो किस वजह से आए थे? ये 22 तारीख को हमारी शादी थी, तो 20 तारीख को ही हम निकले थे, 21 तारीख को रात को यहाँ पहुँच गए थे। 22 तारीख को शादी के बाद जो है 23 तारीख को हमारा रिटर्न टिकट था सुबह नंदन कानन एक्सप्रेस में 8 बजे, टिकट सारा रिजर्वेशन था। 22 को लॉकडाउन ये हो जाने, कर्फ्यू, और फिर लॉकडाउन हो जाने के कारण से जो है हम लोग यहाँ फंस गए। आपको कोई परेशानी यहाँ पर? परेशानी नहीं, बस हमारे साथी जो आए हुए लोग हैं वो लोग काफ़ी परेशान हैं, वो लोग बच्चे वगैरह हैं घर पे, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग किसी तरह से जो है घर जाएं। खाने पीने की कोई समस्या? खाने पीने का एक टाइम का जो है मतलब प्रशासन दे रहे हैं, बाकी जो है हमारे ससुराल वाले दो टाइम को मैनेज कर रहे हैं। और 21 मार्च को सभी बाराती, जिसमें कि दूल्हे के 9 भाई और उनकी 3 बहनें, इस तरीके से 12 बाराती 21 मार्च को रात को 9 बजे बारात लेकर के झारखंड से विधिपुर अतरौली पहुँचे थे। उसके बाद अगले दिन 22 मार्च रविवार को दोपहर 2 बजे विवाह का कार्यक्रम था। उससे पहले 21 मार्च को ही रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अगले दिन यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा कर दी। उसके बाद 22 मार्च को ये शादी संपन्न हुई अच्छी तरीके से, परंतु उम्मीद थी कि जनता कर्फ्यू एक दिन के बाद अगले दिन 23 मार्च को यह खुल जाएगा और दुल्हन को लेकर के बाराती अपने झारखंड वापस हो जाएंगे, परंतु उसी जनता कर्फ्यू वाले दिन रात को 8 बजे फिर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन अगली 14 अप्रैल तक के लिए घोषित कर दिया गया। उसके बाद सभी वाहन इत्यादि सब बंद हो गए, इसके कारण से जो बारात रुकी हुई थी जिसमें 12 बाराती थे, जिसमें कि दूल्हे के 9 भाई और 3 बहनें थीं, उन सभी को वहीं पर रुक जाना पड़ा। और इस तरीके से देखते हैं तो आज तक यानी कि 22 दिन से दुल्हन के घर पर ही यह 12 बाराती रुके हुए हैं और दुल्हन की विदाई भी नहीं हो सकी है। इस मामले को लेकर के कई बार प्रशासन से प्रयास भी किया गया और प्रशासन इसमें मदद भी कर रहा है कि एक समय का खाना प्रशासन के द्वारा दिया जाता है बारातियों को और एक समय का खाना दुल्हन के परिवार वालों के द्वारा दिया जाता है। और अभी क्योंकि 14 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन है और हो सकता है कि 14 तारीख को फिर से पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन हो, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इसको शायद 2 सप्ताह के लिए या कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो ये देखने को मिल सकता है कि ये जो 12 बाराती हैं वह दुल्हन को लेकर के उसकी विदाई करा सकेंगे और झारखंड पहुंच सकेंगे या नहीं। आप यहाँ पर शादी में आए थे? जी। आपको यहाँ पर कोई समस्या? समस्या तो नहीं है, पंडित जी हम लोग को खाना खिला रहे हैं, लेकिन जब 5-6 दिन हम पंडित जी खिलाए तो जब पहल आई सरकार की तरफ से तो हमने
निवेदन किया कि कुछ हेल्प हो जाता तो पंडित जी का आर्थिक बजट थोड़ा कम होता, तो खाने वाले बोले आ जाना वहाँ मिल जाएगा पैकेज। तो अभी हम गए थे और खाने वाले टन दे देते हैं और बाकी पंडित जी संभाल लेते हैं। समस्या आपको यहाँ से रहने में, जैसे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को समस्या कि 15 तारीख को अगर हम लोग को टिकट मिल जाए तो ये सरकार व्यवस्था वो इस करे कि हम लोग किसी तरह से निकल जाए। इस खबर को दिखाने का हमारा मंतव्य मात्र खबर बतौर नहीं है, बल्कि हमारा इस खबर को दिखाने का माध्यम द न्यूज स्कैन इसलिए है कि इस खबर के द्वारा प्रशासन तक यह बात पहुँचे, अलीगढ़ प्रशासन तक यह बात पहुँचे, उत्तर प्रदेश सरकार CM योगी आदित्यनाथ तक ये खबर पहुँचे, झारखंड के मुख्यमंत्री तक, झारखंड सरकार तक ये खबर पहुँचे, भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, ताकि ये जो बाराती 22 दिन से दुल्हन को लेकर के वहाँ उनके घर पर ही रुके हुए हैं और झारखंड वापस नहीं हो पा रहे हैं इस लॉकडाउन को लेकर, तो इनके यहाँ से निकलने की और वहाँ सुरक्षित पहुँचने की व्यवस्था प्रशासन और सरकार के द्वारा की जा सके। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि यह वीडियो प्रदेश सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार तक पहुंचे और इन बारातियों को सुरक्षित रूप से झारखंड पहुंचा दिया जाए और दुल्हा दुल्हन अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। ये सभी जो बाराती रुके हुए हैं उनको हम बता दें कि प्रशासन ने इनके स्वास्थ्य की जांच भी की है और सभी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो देखते हैं कि 14 तारीख को जो लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, ये बाराती फिर यहीं दुल्हन के घर पर ही रुके रहेंगे या नहीं, या ये दुल्हन को लेकर के उसकी विदाई करा के वापस झारखंड पहुँच सकेंगे नहीं। हम इस खबर की आगे भी अपडेट देते रहेंगे द न्यूज स्कैन पर। आपने अगर द न्यूज स्कैन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि एक दुल्हन को अपनी ससुराल मिल सके और बाराती वापस हो सके बारात लेकर के।